हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अरुण अरविंद म्यूज़िक चैनल। मैं अरुण आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम अनामिका मूवी जो है पुराना, उस मूवी का बाहों में चले आओ ये गाना कवर कर लेंगे, गिटार कॉर्ड्स देख लेंगे। आपने काफ़ी सारे कॉर्ड्स के लेसन्स देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो इस गाने में काफ़ी स्पेशल टेक्निक यूज़ किया है। बेसिकली हम आर डी बर्मन फैंस जो है वो उसको आर डी इफेक्ट बोलते हैं। तो रिदम पैटर्न जो है वो एकदम स्पेशल है, इसलिए हम ये गाना स्पेशल एंगल से देखेंगे और इसमें खूबियाँ क्या है वो देखेंगे। तो गाने में जो गाने का जो लेसन है उसमें मुखड़ा, उसका पहला सेक्शन, फिर मुखड़ा सेक्शन टू विथ ओरिजिनल गिटार यानी रिदम इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज़ करके ये देखेंगे, फिर आर डी इफेक्ट या आर डी रिदम पैटर्न जो है वो कवर कर लेंगे, फिर रिदम चार्ट देखेंगे, फिर मुखड़ा सेक्शन टू विथ ओरिजिनल रिदम और इंटरल्यूड अंतरा फर्स्ट, इंटरल्यूड टू, अंतरा टू विथ ओरिजिनल सॉन्ग, फिंगरिंग स्टाइल कॉर्ड लेसन और एंड में अगर आप सिर्फ वोकलिस्ट के साथ बजा रहे हो तो कैसे बजाओगे। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स है, विल कवर दोज पॉइंट्स वन बाय वन। ओके, तो गाना है एफ शार्प मेजर में और इसमें एफ शार्प सस्पेंडेड टू कॉर्ड रहती है, तो वो यूज़ की है। इसका पोजिशन ये है, तो इसका डायग्राम मैं दे दूंगा। फर्स्ट स्ट्रिंग मत बजाइए, तो फर्स्ट स्ट्रिंग म्यूट करने के लिए आपके ये जो फिंगर्स है, ये फिंगर्स जो है तो इनको ऐसे फर्स्ट स्ट्रिंग को पकड़ लीजिए, टच कीजिए एंड प्ले लाइक दिस। तो ये फर्स्ट स्ट्रिंग मत बजाइए, ये म्यूटिंग टेक्निक है। लेट्स स्टार्ट विद मुखड़ा सेक्शन वन जिसमें रिदम नहीं आता। ये सेक्शन वन हो गया मुखड़े का। इसके बाद सेक्शन टू जो है ये आज का, जिसमें रिदम शुरू होता है, तो आप लोग यूजुअली ऐसे बजाएंगे, ये आज का तो ये पैटर्न नहीं है गिटार में ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में। ओरिजिनल में ऐसे है, आप देख के यू विल बी शॉक प्लेजेंटली, तो सुनिए एंड देन विल गो टू द थियोरी। 1 2 3 ये आज का नहीं मिला, ये संग है। ओके, ये हो गया ओरिजिनल रिदम पैटर्न गिटार का। अब हम थियरी देखेंगे। थियरी में ये है कि जो रिदम रहता है, रिदम का एक साइकिल रहता है, तो साइकिल हम अगर इस रिदम के लिए, इस गाने का रिदम जो है इसके लिए 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 लेट मी शो दिस, 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, ठीक है। तो वी कैन काउंट एज, यानी एक बार को हम 8 काउंट्स भी दे सकते हैं, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 4 and 1 and 2, ये हो गया। तो उसके बाद इंस्टेड ऑफ यूजिंग 1 and 2 and 3 and 4 and, आई विल यूज़ दिस नंबरिंग टेक्निक एज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, चार काउंट्स का बार है बट हमने 8 में डिवाइड कर दिया उसको। नाउ आर डी इफेक्ट जो हम बोलते हैं, आर डी बर्मन फैंस या जो काफ़ी पंचम दा के गाने सुनते हैं,
तो इसमें इफेक्ट में क्या रहता है कि एक काउंट पे फॉर एग्जांपल ड्रम्स का बेस ड्रम आ गया, थर्ड फोर्थ पे से गिटार आ गया, फिफ्थ सिक्स्थ पे मादल आ गया एंड सेवेंथ एट पे कुछ नहीं आ गया. तो दैट बिकम्स द रिदम पैटर्न. इंस्ट्रूमेंट वन बीट्स 1 3 4 पे बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट टू बीट्स 4 6 पे बजा रहा है, इंस्ट्रूमेंट थ्री बीट्स 5 6 पे बजा रहा है. तो दिस टेक्निक हैज़ बीन यूज टिपिकली इन बाहों में चले आओ. बाहों में चले आओ में काफ़ी सारे रिदम इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी परकशंस बोलते हैं, शेकर्स है, मराकास भी है. तो वो हम नहीं देखेंगे. तीन इंस्ट्रूमेंट्स हम देखेंगे. ऑफकोर्स फर्स्ट इज गिटार, सेकेंड इज ढोलक पैटर्न है उसका, और तीसरा जो है दैट इज मादल. मादल इज अ नेपाली इंस्ट्रूमेंट जो कांचा भाई बजाते थे पंचम दा के साथ. तो मादल बहुत यूज़ किया है और इसमें मादल भी यूज़ किया है इसी गाने में. तो मादल गिटार और ड्रम्स, सॉरी ढोलक, ये तीन इंस्ट्रूमेंट्स हम कवर कर लेंगे, कंसिडर कर लेंगे. और वो पैटर्न कैसे चलता है वो हम देखेंगे. तो आई एम गोइंग टू शो यू वन स्लाइड नाउ. ये जो है रो नंबर वन, विच इज़ शोइंग द काउंट्स 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड देन इस लेसन के लिए जो हम काउंटिंग यूज़ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, ओरिजिनल में ढोलक बजा है ऑन काउंट्स 1 एंड 2 एंड 5 एंड 6. गिटार बजा है ऑन काउंट्स 1 एंड 2 पे नोट बजा है एंड काउंट 4 पे कॉर्ड बजा है. मादल जो है ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में है दैट हैज बीन प्लेड ऑन काउंट्स 4 सॉरी 5 एंड 6. तो ये चार्ट पे देख लीजिए, ये दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, यू डोंट हैव टू नो. गिटार पैटर्न तो सेम है, यानी 1 2 4 1 2 4 ऐसे बजाएंगे. इस लेसन में ढोलक की जगह ड्रम्स यूज किया मैंने. ऑन बीट्स 1 2 ड्रम्स विल बी यूज्ड एंड 4 5 ऑल्सो. तो 6 पे नहीं बट 4 5 पे यूज किया. गिटार विल यूज ऑफ कोर्स द सेम पैटर्न. एंड मादल नहीं है तो मादल की जगह पे तबला यूज किया. तो तबला यूज करेंगे हम रिदम लूप जो मैंने डेवलप किया है या रिकॉर्ड किया है. तो गिटार पैटर्न जो है 1 2 4 1 2 4 है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. सो हाउ इट विल साउंड इज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक लूप बनाया है और उस पर मेट्रोनम चलेगा. तो आई एम गोइंग टू प्ले दैट लूप, रिदम लूप डेमो. इसमें एट काउंट दिए हैं एक एक बार के लिए. तो लिसन हाउ इट साउंड. आई विल काउंट एज इट गोज जस्ट फॉर योर रेफरेंस. ठीक है, 1 2 3 स्टार्ट. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, this was the rhythm pattern, and then you add guitar. तो चलिए दोस्तों, अभी हम जो मुखड़ा है सेक्शन टू, ये आज का नहीं, मतलब हम जो मैंने रिदम लूप बनाया है उसके उसको यूज़ करके हम बजाएंगे गिटार पे. और मेट्रोनॉम चलेगा. मेट्रोनॉम 1 2 3 4 काउंट्स यूज़ करेगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नहीं यूज़ करेगा. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 3 4 1 2 3.
कॉर्ड्स देखेंगे गाने के, कॉर्ड्स चार पांच ही है, यानी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बाहों में चले एफ शार्प सस्पेंडेड टू बी, बी एज इन बॉल, एफ शार्प क्या डी शार्प सेवन, इसमें फर्स्ट स्ट्रिंग मत बजाइए, ये आज नहीं मिली, एफ शार्प, ये संग है बी, एफ शार्प पे आ गए। तो हमने कॉर्ड देखे, अभी कॉर्ड जो देखे है उसका स्ट्रमिंग पैटर्न स्ट्रम तो है नहीं, बट वन एंड टू जो है बीट्स उस पर हम फिफ्थ एंड स्ट्रिंग बजाएंगे, फोर्थ स्ट्रिंग बजाएंगे एफ शार्प के लिए। बी आप इधर बजाते हैं तो सिक्स एंड फिफ्थ स्ट्रिंग बजाएंगे, अगर बी आप इधर बजाते हैं तो फिफ्थ एंड फोर्थ स्ट्रिंग बजाएंगे। फिर सी शार्प सेवन जो आता है, टेक दिस पोजिशन, सिक्स एंड फोर्थ नहीं बजाएंगे, और फिर डी के लिए फिफ्थ एंड फोर्थ, यानी स्ट्रिंग से शुरू होगा, और सी शार्प के लिए सेम फिफ्थ एंड फोर्थ स्ट्रिंग से शुरू होगा। तो दिस इज द प्लकिंग एंड स्ट्रमिंग पैटर्न फॉर ऑल द कॉर्ड्स मुकड़े के लिए, एंड अंतरे के लिए इट्स द सेम थिंग। तो इंटरल्यूड वन, इसमें वी स्टार्ट विथ एफ शार्प सस्पेंडेड टू, ये जो है वो मादल पे आता है। उसके बाद तो गिटार पैटर्न इज वन टू थ्री फोर, तो ये एफ शार्प नाइन्थ, एफ शार्प में नाइन्थ एडेड जो है ये कॉर्ड है, एफ शार्प, एंड देन एड योर फोर्थ फिंगर, फर्स्ट स्ट्रिंग पे जी शार्प लगाइए, तो ठीक है। एंड फिर लता दी विल डू द हमिंग, Okay, playing antra one. Chale hi jana hai, nazar chura ke, phir khali thi saajan tumne meri khalai ki. Chale hi jana hai, nazar chura ke, बाहों में चले आ। तो इंटरल्यूड टू जो बचता है, इसमें एफ शार्प सस्पेंडेड टू कॉर्ड यहाँ पे आ गई, और उसके बाद एफ शार्प नाइन आएगी जस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इंटरल्यूड। तो आई एम गोइंग टू सिंग स्लोली एंड देन प्ले द कॉर्ड्स। ये मादल पे आएगा, तन 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 तन, तारा 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 तारा, यहाँ
पे दो कॉर्ड जाएंगे, ठीक है। एंड फिर एफ शार्प। कभी 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 कुछ तो, ठीक है। तो so this is interlude 2, okay, antra 2, interlude 2 and antra 2, dekh lenge with the original song, let's see how it goes. एक पॉइंट मैं भूल गया बताना, बाहों में चले आ, ये फर्स्ट ताली पे जो बोलते हैं, फर्स्ट बीट पे बहुत बार आ एंड दिस एफ शार्प सस्पेंडेड कॉर्ड, ना 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 ना, बाहों में चले आ, बाहों में चले आ, दोनों ताली पे आ रहा है। अंतरा फर्स्ट जब होता है उसके बाद द पैटर्न चेंजेस, बाहों में चले आ, कॉर्ड फर्स्ट बीट पे आएगा, आ जो लता दीदी गाती है वो सेकंड बीट पे आता है, बाहों में चले आ, ओके। तो जस्ट सम वेरिएशंस हियर एंड देयर। लास्ट टू पॉइंट्स, फिंगरिंग जो फिंगरिंग स्टाइल जो बोलते हैं, वी कैन प्ले दिस सॉन्ग विद फिंगर्स, यानी फर्स्ट टू नोट जो है वो थंब से बजाएंगे हम, एंड कॉर्ड जो है वो उल्टे स्ट्रोक से बजाएंगे, तो बाहों में चले क्या पर, ओके, दिस इज द फिंगर स्टाइल पैटर्न। ऑलराइट, सो लास्ट पॉइंट इज, अगर आप बैंड में बजा रहे हो तो ये ओरिजिनल पैटर्न जो है या फिंगरिंग स्टाइल जो बताया, डेफिनेटली यू कैन यूज़ दैट। फिंगरिंग इज क्लोज टू द ओरिजिनल, इट्स नॉट ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है वो प्लेक्ट्रम के साथ है, तो यूज़ प्लेक्ट्रम, यूज़ द ओरिजिनल पैटर्न इफ़ यू आर प्लेइंग विद अ बैंड। इफ़ यू आर प्लेइंग फॉर फन, यू कैन ऑफ कोर्स यूज़ फिंगरिंग पैटर्न। और थर्ड केस ये है कि आपके पास रिदम इंस्ट्रूमेंट्स ना हो या रिदमिस्ट आपके पास नहीं हो, यानी आपके अगल बगल में, एंड यू आर प्लेइंग जस्ट बाय योरसेल्फ विद वन वोकलिस्ट, या यू आर सिंगिंग एंड यू आर प्लेइंग, तो यू हैव टू प्ले द पैटर्न 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऑन द गिटार, क्योंकि ओरिजिनल पैटर्न वोंट साउंड फिलिंग, ठीक है। आई एम गोइंग टू प्ले, सी शार्प 7 जो है वो यहाँ पे बजाइए, आप यहाँ पे भी बजा सकते हैं, विच मीन्स इट्स अ सिग्नल कि मैं कर रहा हूँ, इट्स द एंड। सो
होप यू लाइक दिस लेसन. यू कैन अप्रिशिएट आरडी फेक जो हम बोलते हैं, या आरडी का रिदम पैटर्न जो है. आई होप यू कैन गेट दैट एंड अंडरस्टैंड एंड सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज. तो दैट्स द एंड ऑफ द ट्यूटोरियल एंड वी विल मीट अगेन. फिर से मिलेंगे हम दोस्तों. ठीक है, बाय.